अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 41 भाई। और दोस्तों, आज बात करेंगे आईसी अप्रूवल के बारे में, और खासकर ड्राइवर कैटेगरीज की अभी अप्रूवल आ रही है। मैं आपको बताता चलूं कि ड्राइवर्स कैटेगरी की अभी अप्रूवल आ रही है आईसी के थ्रू। लेकिन पहले मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कल रात को एक वीडियो दी थी और अपने पेज पर भी उस यूट्यूब का लिंक भी दिया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वीडियो, तो ये वीडियो आप देखें, लाजिम देखें, और उसमें भी मैंने तफसील बताई है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो इन्होंने अभी तक नहीं देखी वीडियो। तो ये इसमें पहले क्या होता था, हम जब आईसीए में अप्रूवल देते थे यानी कि अप्लाई करते थे, तो या तो अप्रूवल आ जाता था या तो फिर रिजेक्ट हो जाता था। लेकिन अब क्या होगा, जब आप अप्लाई करेंगे तो अभी कुछ दिनों के बाद आपको रिजेक्ट और उसका कुछ नहीं होगा, वो नीचे लिखा होगा वी आर वेटिंग फॉर योर कोविड-19 टेस्ट। तो ये जब आ जाएगा यानी कि आपने के फिर जाकर टेस्ट करना है, किधर करना है, चौथाई लैब, एक्सेल लैब, जहां भी करना है। लेकिन ये ईमेल आने के बाद आपने 24 आवर सबर करना है। कोविड-19 टेस्ट वी आर वेटिंग फॉर, याद रखें, ध्यान में रखें, 24 आवर आपने सबर करना है। उसके बाद आपने जाकर चौथाई लैब या एक्सेल लैब में जाकर अप्लाई करना है, अपना टेस्ट देना है। टेस्ट के लिए किस तरह अप्लाई करना है वो मैंने तरीका बता दिया है, आपको मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं उसमें। वो अगर आप नहीं कर सकते, बखुदा ना खास्ता आप नहीं कर सकते, और याद रखें, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, या क्या आपके किसी भाई दोस्त के पास बाहर जो होते हैं उनके पास है, तो उनको बोलें कि इसके थ्रू मेरा यानी कि सब कुछ पे कर दें। ये 214 दरहम इमाराती आएंगे। इसमें जो टेस्ट के फीस है वो 6,500 है, और इसके साथ अभी प्योर हेल्थ के नाम से एक स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, ये भी उसी के थ्रू आईसीएस से कनेक्ट करेंगे, और उधर ही आपका ईमेल डायरेक्ट चला जाएगा। अगर आपका कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव आ जाता है तो वहां पर वो आपको अप्लाई दे देंगे, आपका अप्रूवल आपको दे देंगे, ठीक है ना भाई। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, मैंने ये अप्रूवल जो है 72 आवर्स का होगा, उसके दौरान आपने वापस जाना है। और दूसरी बात, एक जब आपके पास ये कोविड-19 का जो मसला है जो आ जाएगा कि वी आर वेटिंग फॉर योर कोविड-19 टेस्ट, तो इसके साथ आपको 24 घंटे के बाद एक और ईमेल आएगा। वो ईमेल याद रखें, क्या ईमेल है, उसमें लिखा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ईमेल है, इसी ईमेल को आपने इसका वेट करना है, तब तक आपने कुछ नहीं करना है। इस ईमेल में लिखा होगा, फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी एंड द सोसाइटी वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट योर नेक्स्ट स्टेप इज कोविड-19 एग्जामिनेशन। यानी हम आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप कोविड-19 का टेस्ट करें, और इसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपका रिपोर्ट जो है नेगेटिव आएगा तो हम आपको वी विल सेंड यू अप्रूवल, यानी कि आपको हम अप्रूवल दे ला देंगे, यानी कि अप्रूवल अभी आ रही है, ईद के बाद शुरू होनी है। मैंने कई वीडियोस में पहले भी बताया था कि आप वेट करें, ईद तक वेट करें। अभी कतर ने भी ऐलान कर दिया है 1 अगस्त से, कुवैत ने भी कर दिया है, तो इमारात वाले भी श्योर ये कर रहे हैं कि अब ये अप्रूवल देना शुरू कर देंगे। और इसके साथ साथ जो टेस्ट जो है, कुछ लोगों के जहनों में सवालात होगा कि हमारे पास तो क्रेडिट कार्ड नहीं है, हम किस तरह पे करें। तो जाइए भाई और दोस्तों, आपने जाकर जो स्लैब में आप जाएंगे, को चौथाई लैब हो गया, एक्सेल लैब हो गया, जहां पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको कह दे तो वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर देंगे, या आपका कोई दोस्त वगैरह भी पे कर सकता है। फिर आपने जाकर टेस्ट वगैरह करना है। और इसमें एक सवाल है और है, कुछ लोगों ने पूछा है कि हम अभी ईद का मौका है तो हम क्या करें, यानी कि हम अभी टेस्ट करें अगर हमारा इस तरह आ जाता है तो। भाई और दोस्तों, इसमें अप्रूवल में 21 डेज जो अप्रूवल आती है तो उसमें 21 डेट यानी कि टाइम होता है आईसीए के लिए। ये याद रखें, ये दुबई वालों के लिए नहीं है, जीडीआरएफ का अभी तक नहीं है। अगर वो इसमें ऐड करते हैं तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, लेकिन अभी तक ये सिर्फ शारजा, ओमल कोवैन, रसल खैमा, ये अबू धाबी, इन लोगों के लिए। तो याद रखें कि आपने जब इसमें 21 दिन का अप्रूवल में टाइम होता है, जब आप जाएंगे तो जाने से पहले, सफर करने से पहले 2 दिन पहले टेस्ट कर लें, तो ये याद रखें। और ये टेस्ट जो होता है 72 घंटे के बाद जाया हो जाता है। आप लोगों को मैंने वीडियोस में बताया भी होगा, आप लोगों को अभी तो आप एक्सपीरियंस भी हो गया होगा कि कितने आप लोगों ने अप्लाई किया होगा, सब एक्सपर्ट हो गए, तो अभी आप लोगों ने ये करना है। और इस टेस्ट के बगैर आपको यानी कि बोर्डिंग में नहीं जाने दिया जाएगा, वहां पर आपका अप्रूवल डायरेक्ट जाएगा आईसीए में और खलास, और आपको अप्रूवल मिल जाएगी। तो यही बातें थी मेरी इसमें, जब आपको अप्रूवल मिल जाएगा तो जहां पर वो ईमेल में आया होगा ना कि हम वेटिंग फॉर योर कोविड-19 टेस्ट, तो वहां पर लिखा होगा अप्रूव्ड। तो जब अप्रूव आएगा तो आप फिर जा सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये कुछ सवालात थे, कुछ लोगों ने पूछे थे, तो मैंने कहा मैं इस पर वीडियो बना दूं। आप लोगों के और भी मैं वीडियो बना दूंगा जो इनके वीजे प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो वे देखते रहेगा 41। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं है इस बारे में। और इंशाल्लाह मिलेंगे दूसरी वीडियो में। खुदा हाफिज। आज के लिए इतने, खुदा हाफिज।